देख आयुष, कुछ भी करके तुझे मनाना ही पड़ेगा। अरे तो मैं सोच रहा हूँ ना, आई जस्ट कैन टेक यू इन फ्रंट ऑफ देम। तुझे पता है ना कास्ट सिस्टम लेके कितना स्ट्रिक्ट है मेरे घर पे। ये सब बातें तुझे 3 साल पहले सोचनी चाहिए थी, तब तो बड़ा बोला करता था शादी के बाद वो ट्राई करेंगे, ये ट्राई करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, एंड आई डोंट केयर नाउ। मुझे कुछ भी करके मनाना ही पड़ेगा। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में अटका दिया है। माना कि ये लड़की चुड़ैल से कम नहीं, एंड माना कि आप मेरी मदद ही कर रहे हो, पर भगवान मैं जीना चाहता हूँ, तो प्लीज़ कोई रास्ता दिखा दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बात करनी थी आपसे, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं 26 इयर्स का हो गया, आप जानते हो तो। मेरे दोस्त प्रज्वल को जानते हो आप, मुझे इसे शादी करनी है। इससे कैसे शादी कर सकते हो, ये तो लड़का है। आंगे ये क्या बोल रहा है तू, गे गे। ओ भाई, गई परवरिश पानी में। बेटा ये क्या बोल रहे है तू, पागल तो नहीं हो गया है? अरे क्या पागल हो गया है, बैग गया है लड़का, थोड़ी भी अक्कल नहीं गया इसको। नहीं यार पापा, मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, आई रियली लव हिम। अरे क्या पागल हो गया क्या यार, ये समाज में मेरी नाक कटाएगा यार। सुन सुन मेरी बात, तू किसी भी लड़की से शादी कर, पर लड़की होनी चाहिए, इससे शादी नहीं कर सकते, तू पागल है क्या यार तू। ये मेरा फाइनल डिसीजन है, घर में कदम मत रखना ठीक है। अगर मैं ठीक है पापा, यार ये नाक कटाया यार मेरी समाज में। हट्टे कट्टे उल्लू के पट्टे, एक ही थाली के चट्टे पट्टे। यार भाई तू नहीं होता ना तो ये सब पॉसिबल ही नहीं था। वो सब ठीक है, अगर हमारी शादी को मान जाते तो